हेलो स्टूडेंट, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने केमिस्ट्री चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में। तो एसिड बेस एंड सॉल्ट के लिए सबसे पहले हमें जानना है कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। इंडिकेटर्स आर सब्सटेंस डेट चेंज देयर कलर और स्मेल व्हेन एडेड इनटू एसिड और इन बेसिक सोल्यूशन। बेसिकली ये हमें बताते हैं कि हमको जो सब्सटेंस मिला है उसका नेचर क्या है, वो एसिडिक नेचर है या बेसिक नेचर है। ठीक, तो एसिड और बेस की जो पहली प्रॉपर्टी वो टेस्ट, जो हमारा एसिड होता है, एसिड का जो टेस्ट होता है वो सोर होता है और बेस का जो टेस्ट होता है वो बिटर होता है। उसके बाद हम देखते हैं इंडिकेटर। पहला इंडिकेटर होता है हमारा लिटमस पेपर। लिटमस पेपर अगर हमारे पास एसिड है तो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज करता है, और अगर हमारे पास सब्सटेंस जो हमारा बेस है तो वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में चेंज करता है। सेकेंड है हमारा टर्मरिक पाउडर, ठीक है, जो कि एसिड में येलो ही रहता है। टर्मरिक पाउडर हमारा येलो कलर का ही रहता है, तो जब एसिड हम डालेंगे टर्मरिक पाउडर पे तो येलो कलर करेगा, इसका मतलब कोई भी कलर चेंज वो नहीं करेगा। और जब हम बेस पे उसका टेस्ट करेंगे तो टर्मरिक पाउडर जो है येलो से रेड में चेंज हो जाएगा। तो जब येलो पाउडर टर्मरिक पाउडर येलो टू रेड हो जाए तो इसका मतलब जो सब्सटेंस हमें मिला है वो बेसिक नेचर का है। फिर नेक्स्ट है फिलोक्सिलिन पेपर। फिलोक्सिलिन पेपर एसिड के साथ, फिलोक्सिलिन जो होता है वो एसिड के साथ कलरलेस रहता है, जैसा वो रहता है वैसा ही रहता है। फिलोक्सिलिन जो सोल्यूशन होता है वो कलरलेस सोल्यूशन होता है, लेकिन जब उसको हम बेस के साथ टेस्ट कराते हैं तो उस फिलोक्सिलिन सोल्यूशन पिंक कलर में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज जो हमारा सोल्यूशन होता है वो जब हम एसिड के साथ उसका चेंज टेस्ट कराते हैं तो ऑरेंज टू रेड हो जाता है, और जब हम मिथाइल ऑरेंज का बेस के साथ टेस्ट कराते हैं तो वो ऑरेंज टू येलो हो जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हम देखते हैं कि इंडिकेटर्स कितने टाइप्स के होते हैं। इंडिकेटर्स बेसिकली आर थ्री टाइप्स, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर एंड ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर्स। तो हम देखते हैं ये तीनों होते क्या हैं। नेचुरल इंडिकेटर आर दोस इंडिकेटर विच फाउंड इन नेचर इन द प्लांट्स आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर हमारे बेसिकली वो इंडिकेटर्स होते हैं जो हमें नेचर में मिलते हैं, जो हमें प्लांट्स से मिलते हैं। जैसे हमारा लिटमस पेपर है वो हमें प्लांट्स के थ्रू मिलता है, या हमारा जो टर्मरिक पाउडर है वो भी हमें प्लांट से मिलता है। जो नेक्स्ट है वो हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर। दोस इंडिकेटर विच आर सिंथेसाइज इन लैब और इंडस्ट्री आर नोन एज सिंथेटिक इंडिकेटर। वो इंडिकेटर जो हमारा सिंथेसाइज होता है लैब में या इंडस्ट्री में, उससे हम लोग सिंथेटिक इंडिकेटर्स कहते हैं। जैसे हमारा फ्लोक्सिलिन होता है, मिथाइल ऑरेंज होता है, ये दोनों हमको लैब से मिलते हैं। हम लोग लैब में इसको बनाते हैं और फिर हम इसका टेस्ट करते हैं एसिड और बेस के साथ। नेक्स्ट हमारा जो आता है वो आता है हमारा ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं? दो सब्सटेंस हुज स्मेल चेंज इन एसिड और बेसिक मीडियम। ऐसे इंडिकेटर जो जिनका स्मेल एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम में चेंज हो जाता है, उसे हम लोग ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर्स कहते हैं। जैसे वेनिला एंड ओनियन। वेनिला ओनियन को जब हम एसिड या बेस के साथ टेस्ट करते हैं तो उनका जो स्मेल होता है एसिडिक में चेंज हो जाता है और बेसिक में चेंज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। थैंक यू।